यूपी के अंदर जब हमारी सरकार आएगी तो हम ब्राह्मण समाज के जो महापुरुष हैं परशुराम, इनके नाम से अस्पताल बनाएंगे और उनकी भव्य मूर्ति बनाएंगे। जय भीम साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। और अभी बज रहे हैं 5:30 और आज का शेड्यूल में हमने डिसाइड किया है कि जो काम हमने कल जारी रखा था उस काम को आज भी हम जारी रखने वाले हैं। हम बनाने जा रहे हैं हाथी निशान, बाबा साहब का हाथी निशान है। और उसी तरीके से अभी हम कुछ स्पॉट्स में जाने वाले हैं और उसके बाद में हम उन हाथी निशान को बनाने वाले हैं। अभी मैं चल रहा हूँ ताई के यहाँ और मुझे काफ़ी देर होते चली है, तो मैं ताई के यहाँ जाने वाला हूँ। उसके बाद में मैं डिसाइड करूँगा या हम सभी लोग डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ कहाँ पर जाकर हाथी निशान को बना पाए। और एक खबर जो कल के दिन की बहुत दुखद रही, उस खबर को मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। जो खबर आप तक के तो पहुँच चुकी होगी वो यही रही कि जो मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, इनका कोरोना के चलते बहुत दुखद निधन हुआ। और इस बात की गहरी संवेदना परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी की ओर से जताई है। और गहरी संवेदना मेरी खुद की भी है। तो अभी मुझे हो रहा है वक्त, तो अभी मैं चलता हूँ ताई के इधर। आइए चलिए चलते हैं। तो साथियों, अभी हम सुबह के तकरीबन 5:45 के आसपास हो चुके हैं और हम हाथी बनाने निकल चुके हैं। और ये हमारे जो सर है, ये भी हमारे हाथी बना रहे हैं। ये देखिए, तो ये एक हमारा हाथी कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे हाथी और भी बनाने हैं। तो आइए चलते हैं और नए स्पॉट्स पर। तो ये देख रहे हैं आप, ये दूसरा हाथी बनकर तैयार हो चुका है और मेरे हाथ भी थोड़े गंदे हो चुके हैं क्योंकि हाथी बनाते समय सर की थोड़ी मदद करनी पड़ती है। तो ये हमारा दूसरा भी हाथी बन के कम्प्लीट। साथियों, तो आपको बताना चाहूँगा अभी हम बहुत सारे हाथी आज बनाने वाले हैं, लेकिन अभी जो मौसम है वो जो साथ नहीं दे रहा है, बारिश काफ़ी हो रही है और उस बारिश के कारण हमें थोड़ा अभी रुकना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो मेहनत है वो मेहनत वेस्ट होती चली जाएगी और हम जो हाथी बनाएंगे दीवार पर ये पूरी तरीके से सही तरीके से बन नहीं पाएगा। तो हम कुछ देर बाद जैसे ही बारिश बंद हो जाती है फिर से एक बार हाथी बनाना शुरू कर देंगे। साथियों, बारिश के चलते आज हम कुछ ज़्यादा हाथी नहीं बना पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज के पूरे दिन के शेड्यूल में जितना भी हमें समय मिले उस सभी समय के अंदर में हम हाथी निशान को बना पाए। अभी हम चल रहे हैं घर की ओर। हमारे डॉक्टर साहब ने आज बहुत काफ़ी मेहनत की है और दोपहर में भी उन्होंने समय देने के लिए हमें कहा है। तो देखते हैं, अगर समय मिलता है तो ज़रूर हाथी निशान बनाएंगे और बाकी कल का तो शेड्यूल और है ही। तो अभी आज के दिन काफ़ी और कुछ चीज़ें आपको दिखानी है और बहुत सारी चीज़ें बतानी भी है। तो अभी हम चल रहे हैं घर की ओर। तो अभी समय ज़ाया नहीं करते, अभी तैयारी भी करनी है, आज सुबह जल्दी भी उठना हो गया। तो आइए चलिए चलते हैं। साथियों, मैं हो चुका हूँ रेडी और आप देख रहे होंगे मेरा थोड़ा लुक जो चेंज हो चुका है। और ये लुक कैसे चेंज हुआ ये देखिए। तो सोच रहा था कि काफी दिन से लुक को थोड़ा चेंज किया जाए और हमने वो किया, ठीक है। तो फिर अभी साथियों मुझे चलना है और कुछ लोगों से आज बातचीत करनी है, नए लोगों से मिलना है और संगठन को लेकर बातचीत करनी है। लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी है, एक प्रॉब्लम एक ऐसी आ चुकी है कि लगातार बारिश सुबह से शुरू है। हम जब हाथी बनाने के लिए भी जब गए तब से बारिश शुरू है और बारिश लगातार शुरू है। इसके कारण हमारे जो लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, वो समय पर मिल नहीं पाते या घर से नहीं निकल पाते। और ऐसे सिचुएशन के अंदर में अभी रेनकोट जो है वो भी साथ साथ नहीं देता और बारिश का सामना करना पड़ता है। और आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि कोरोना के चलते हमें एहतियात बरतनी है और इसीलिए अभी थोड़ा रुके हुए घर पर। और जैसे ही बारिश रुक जाती है तो फिर हम चलेंगे, घर से निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने जो लोग हैं, जो हमारे मिशनरी साथी हैं, उन सभी से मिल पाए। साथियों, बोधिसत्व दिनदर्शिका आप देख रहे हो। तो आज की तारीख है 12 अगस्त और 12 अगस्त पर क्या हुआ था देखते हैं इस कैलेंडर में। 1948 बाबा साहब द्वारा सुधारित हिंदू कोड बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था। साथियों, आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हिंदू कोड बिल है वो संसद में प्रस्तुत किया था। और बारिश रुकने तक सोच रहा हूँ कि ये जो किताब है हिंदू कोड बिल, जो किताब है उस हिंदू कोड बिल किताब को पढ़ा जाए और जो जानकारी मेरे पास में है उस जानकारी को और थोड़ा बढ़ाया जाए।
साथियों, तो बारिश चल रही है और मैंने सोचा कि इसी समय को थोड़ा यूटिलाइज किया जाए। और आज का जो दिन है, जो 12 अगस्त है, इस 12 अगस्त पर जो डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को जो संसद में प्रस्तुत किया था, उसके ऊपर में कुछ पढ़ा जाए, जो मेरे पास में जो जानकारी, उस जानकारी को और बढ़ाया जाए। तो मैं पढ़ रहा हूँ जो किताब, वो है डॉक्टर बाबा अम्बेडकर एंड हिंदू कोड बिल। तो साथियों, ये जो किताब है, ये किताब है मराठी में, लेकिन अभी ये जब मैंने इस किताब को लेने के लिए गया, जब उनसे मैंने पूछा कि ये किताब हिंदी में अवेलेबल है क्या, तो उन्होंने कहा कि ये किताब ज़्यादातर मराठी में ही मिलती है। तो मैं ये इस किताब में जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो जो दी गई है, उसमें जो शुरुआती जो पॉइंट्स दिए हैं, ये मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताना चाहूँगा कि हिंदू कोड बिल, इसकी पार्श्वभूमि, जो इसकी पार्श्वभूमि क्या, हिंदू कोड बिल आखिर है क्या, डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने राजीनामा क्यों दिया, डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने इस्तीफा क्यों दिया, और ये सारी जो बातें हैं जो यहाँ पर लिखी गई है, जो षड्यंत्र बाबा साहब के साथ में उस समय में किया गया था, इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर लिखा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, जो हजारों हजारों सालों से, जो पीढ़ियों से, जिस समाज को, जो चाहे SC हो, SP हो, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और OBC और माइनॉरिटीज़ के जो हमारे लोग हैं, इन तमाम लोगों के ऊपर में जो गुलामी ला दी गई, जो गैर बराबरी इनके ऊपर थोपी गई, इस गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए उस समय में डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने कानूनी तौर पर इस हिंदू कोड बिल को लाया, जिसके कारण हमारी जो गुलामी है उस समय नष्ट हो सकती थी, काफ़ी कुछ नष्ट हो सकती थी। लेकिन उस समय की जो कांग्रेस की सरकार रही, उस कांग्रेस की सरकार के जो नेता रहे, जो नेहरू जी रहे और उनके साथ में तमाम जो ऐसे लोग रहे जो मनुवादी मानसिकता के थे, उन तमाम लोगों ने डॉक्टर बाबा अम्बेडकर के इस हिंदू कोड बिल के कोड बिल को प्रस्तुत करने के बाद में मंजूरी नहीं दी और लागू नहीं होने दिया, और जिसके कारण बाबा साहब ने ऐसा निर्णय लिया, अपने कानून मंत्री पद का इस्तीफा देते हैं साथियों, और हमारे लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की है। आज अगर उन्होंने स्वाभिमान हमारे समाज को अगर नहीं सिखाया रहता, तो हमारे समाज में स्वाभिमान निर्माण नहीं होता। बहुत अच्छी ये किताब है, कोशिश करिएगा कि आप भी इस तरीके से किताबें पढ़ पाएं। इम्पोर्टेंट बात है ये भी कि आज हमारे जो संदीप आनंद जी है, जो हमारे भाई है, उनसे थोड़ी बातचीत करनी थी। आज अभी जो वर्तमान में जो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के माध्यम से जो ट्वीट्स आ रहे हैं, उनको लेकर बहुत ही गंभीर बातचीत उनसे करनी थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी बारिश थोड़ी कम हो चुकी है, तो अभी घर से निकला जाए। तो चलिए चलते हैं साथियों। काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं कि जो बहन जी के जो ट्वीट आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वाले जो लोग हैं, वो तमाम लोग आलोचना करते हुए हमको फेसबुक और व्हाट्सएप पर, जितने सोशल मीडिया है वहाँ नज़र आ रहे हैं। तो एक मिशनरी व्यक्ति ने किस तरीके से सोचना चाहिए, उसके क्या विचार होना चाहिए, उसको किस तरीके से फुले शाह बाबा साहब के मिशन को समझना चाहिए, रणनीति और राजनीति को किस तरीके से समझना चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ों को लेकर जो हमारे भाई है वो उनसे मैं कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ। वो अपने इस विषय के ऊपर में हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, और मैं उनके थोड़ी देर में पूछूँगा कि ऐसा कौन सा कारण है जो बहन जी इस तरीके के ट्वीट्स और स्टेटमेंट दे। बहुजन समाज पार्टी की नेत्री बहन कुमारी मायावती जी यह अपने ट्विटर हैंडल से और साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात लगातार बोल रही है कि यूपी के अंदर जब हमारी सरकार आएगी तो हम ब्राह्मण समाज के जो महापुरुष हैं परशुराम, इनके नाम से अस्पताल बनाएंगे और उनकी भव्य मूर्ति बनाएंगे। तो इस स्टेटमेंट को लेके महाराष्ट्र के अंदर और पूरे भारत के अंदर जो कुछ खुद को अम्बेडकरवादी मानते हैं, तथाकथित अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, वो अपने फेसबुक पोस्ट पे या सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे स्टेटस अपडेट करके बहन जी का विरोध करते हैं और बोलते हैं कि बहन जी अपने मिशन से भटक गई है। तो साथियों, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि बहन कुमारी मायावती जी और फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों पे चलने वाली एकमात्र नेता है साथियों जी। जब उनकी सरकार यूपी के अंदर पूर्ण बहुमत की आई थी, तब उन्होंने अनेक जिले, अनेक स्मारक और अनेक संग्रहालय ऐसे बनाए थे तो जो बहुजन महापुरुषों के नाम पे थे, बहुजन महापुरुषों के नाम पे थे साथियों। तो इसे ये पता चलता है कि बहन कुमारी मायावती जो है ये बहुजन हितैषी। साथियों, बहुजन समाज पार्टी यह एक राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ साथ वह सर्व समाज की बात करती है, और सर्व समाज की बात जब वो करती है तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि हम सर्व समाज के हितैषी हैं, और इसलिए बहन जी के बीच बीच में जो स्टेटमेंट आते हैं वो सर्व समाज के हित में आते हैं साथियों। तो हमको बहन मायावती जी के ऊपर पूरा पूरा विश्वास करना पड़ेगा, जो बहुजन समाज है, जो इस देश का
आदिवासी दलित और पिछड़ा और मुस्लिम माइनॉरिटीज जो है उनके उनको बहन कुमारी मायावती जो जी के ऊपर पूरा विश्वास करना पड़ेगा, वो आपके विश्वास को कभी ठेच नहीं पहुंचाएगी। साथियों आपको पॉलिटिकल मैच्योरिटी लाना पड़ेगा अपने अंदर। साथियों माननीयवर कांशीराम साहब हमेशा एक बात कहते थे कि हमको बहुजन समाज को अगर शासक कौम बनाना है, शासक जमात बनाना है, शासक वर्ग बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो बहुजन समाज में पॉलिटिकल मैच्योरिटी लाना पड़ेगा। जो अभी हमको ये बहन जी का जो स्टेटमेंट आने के बाद हमको वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी बहुत कम दिखाई दे रही है, तो इस पे बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वर्कर है, बहुजन समाज में जाए और बहुजन समाज में जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमतरता कमी जो हमको नज़र आ रही है इसे पूरा करने का काम करें। धन्यवाद। साथियों तो आपने सुना अभी हमारे भाई संदीप आनंद जी जिन्होंने हमें बहन जी के जो आने वाले जो ट्वीट है उसके ऊपर में हमको बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो जानकारी दी वो इस तरीके से जानकारी दी कि उन्होंने कहा कि जो भी बहन जी के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो सभी के सभी स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल स्टैंड को लेकर है, लेकिन उसके पीछे एक राजनीति है और इस राजनीति को समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने समाज के अंदर एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का निर्माण करना पड़ेगा और जब तक हम इस पॉलिटिकल मैच्योरिटी का निर्माण नहीं करेंगे समाज में तब तक हम शासक वर्ग नहीं बन पाएंगे। तो साथियों मैं भाव के पास से जब निकला तो बारिश शुरू हुई थी और जैसे तैसे और फिर रास्ते में आगे बढ़ा तो बारिश और ज़्यादा तेज़ बढ़ गई। तो मैं घर पहुंच चुका हूँ और काफ़ी कुछ आप चीज़ें सीखने मिली, समझने मिली। सुबह हमने हाथी का पेंटिंग बनाया, उसके बाद में मैं घर आने के बाद में मैं थोड़ा सा लुक आज चेंज किया और उसके बाद में हिंदू कोड बिल हमने पढ़ा और उसके बाद हमने भाव से जो प्रश्न पूछे जिसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई। और इसी तरीके से आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।